सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलता। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, उदास रहो तो सवाल करते हैं। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। आज का पंचांग 26 फरवरी 2024 दिन सोमवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि रात्रि 11:16 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 4:30 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:21 से 9:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर सुबह 8:11 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 26 फरवरी 2024 दिन सोमवार, हाल ही में हुई किसी नुकसान के कारण हुआ पारिवारिक झगड़ा आपको परेशान कर सकता है। घर या वाहन की मरम्मत या नवीनीकरण पर ध्यान आकर्षित होगा। घर के मामलों को बीच में ना छोड़ें, बल्कि इनका सामना करें। आपके माता पिता आपको समर्थन दे सकते हैं। अपने काम या नौकरी में आप संतोषजनक रहेंगे क्योंकि आप यह जान चुके हैं कि सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आज आपकी क्षमताओं और गुणों का पूरी तरह से पुनर्जीवन होगा। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य न बना सके या एक नया सपना न देख सके। भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। अब फिजूल खर्चे से बचना होगा। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर भी उससे अशांति आएगी। सोचने से पहले दो बार सोचें, अनजाने ही आपका नजरिया किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। अपने पैसे को संचय करने के लिए आज अपने घर के लोगों से आपको बात करने की जरूरत है। उनकी सलाह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार होगी। अगर आज आप किसी को सलाह देती हैं, तो खुद लेने के लिए भी तैयार रहें। प्यार का बुखार आपके सर पर चढ़ने के लिए तैयार है, इसका अनुभव कीजिए। तनाव से भरा दिन जब नजदीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकती हैं। छोटे छोटे मामलों को लेकर हुए आपके आपसी झगड़े आज आपके वैवाहिक जीवन में कटुता को बढ़ा सकती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि दूसरों के कहने और बहकावे में ना आए। आपकी चिंताएं आज आपको जीवन का आनंद लेने से आपको रोक सकती है। कोई खास कार्य बन जाने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्त रहेगी। बच्चों से संबंधित कोई खुशखबरी भी मिलने की संभावना है। जिन बातों से नाराजगी थी वे बातें बदलाव दिखाएगी। आपको इच्छा शक्ति का महत्व समझ में आएगा। जितना हो सके लोगों का साथ दें। अपनी क्षमता के अनुसार परिवार वालों की मदद करते रहें। किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय जरूरत से ज्यादा जानकारी ना दें। हर काम आपकी मर्जी से ही होगा। विवाह संबंधित निर्णय लेने के लिए थोड़ा और वक्त लें। कंधे में जकड़न महसूस हो सकता है, ख्याल रखें। आज के दिन आपके लिए मान सम्मान में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने कामों में निसंकोच आगे बढ़ेंगी। लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगी। कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति पहले से बेहतर होगी। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं। आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको लड़ाई झगड़ा हो सकता है। विवाह योग्य जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। सावधानियां, अनजान लोगों पर भरोसा न करें। भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं। संतान की किसी गलत गतिविधि से मन कुछ परेशान रहेगा, परंतु आपकी समझदारी और सूझबूझ से समस्या का हल भी निकल आएगा। बात करते हैं लव लाइफ की।
परिवारजनों के साथ कोई मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनेगा। लव पार्टनर का सानिध्य आपको प्रसन्न रखेगा। आज के दिन आपके लिए केवल दिल के रिश्ते आवश्यक हैं, जो आपको सभी चिंताओं से बाहर निकालकर आनंदित ढंग से जीवन बिताने की प्रेरणा देते हैं। अपने कीमती वक्त में से कुछ पल अपने साथी के लिए भी निकालें। घर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए भी धन व्यय हो सकता है। आज अपने प्रेम संबंधों में ताजगी और कामुकता महसूस करेंगे। आलिंगन, चुम्बन और प्यार से थपथपाने के साथ शारीरिक प्रेम को प्रकट करना ना भूलें, क्योंकि यह छोटी छोटी बातें आपको एक दूसरे के करीब ले आएगी। आप अपनी ऊर्जा को सार्थक बदलावों की तरफ ले जाने के लिए उत्तेजित और दृढ़ हैं। बस अपने उत्साह को ऐसे ही बनाए रखें। जो आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं, उन्हें कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह घुमक्कड़ स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे, लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाते हैं। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है, क्योंकि यात्रा करने के कारण आप घर को बहुत कम समय दे पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आज का दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कि आपके व्यवसाय को आगे और ले जा सकता है। ये जरूरी है कि आप विपणन नीतियां बनाते हुए नए संगत निर्णय लें, ताकि आप बेहतर नीतियां बना सकें। अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारोह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है, तो काफी अच्छा रहेगा। जो भी संपर्क आप बनाएंगे, वे आगे आने वाले समय में आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगी। अगर आप बिल्डर या खेतों और साइडों में काम करते हैं तो अगर आप बिल्डर हैं या खेतों और साइडों में काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। शांति और सुकून भरे पलों के लिए आज कुछ समय निकालें। अपने प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के बारे में सोच सकते हैं। सोच समझ कर व्यय करें व शेयरों में निवेश से बचें। आने वाला वक्त आपके लिए एक सपने की तरह है, जिसमें बदलाव और गतिशीलता की पूरी संभावना है। आपकी क्षमता और गुण आपका पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ ही आज आप दृढ़ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। याद रखें, सफलता कठिन काम, अध्ययन, बलिदान और लगातार मेहनत का फल है। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाएं फलित होगी और उसके बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। लेकिन दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा विश्वास ना करें। ऑफिस का माहौल सुकून भरा भी बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं। गिरने और चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। किसी भी तरह का जोखिम लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी रहेगा। लोगों ने आपको बुरा आदमी समझ लिया है, उन्हें समझने दें और निराश ना हो। समय के गुजरने के साथ साथ उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आप कैसे आदमी हैं। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आप तैराकी करें या दौड़ लगाएं, शुभ रहेगा। आज का उपाय, आज अब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।